फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। बहुत मस्ती कीजिए। एंड हाँ, कोई भी त्यौहार आता है तो हम लोग उस त्यौहार को तो एंजॉय करते ही है। एंड मुझे लगता है एंजॉय करने के साथ साथ हम लोग बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, तो आज के वीडियो में या खाना खाते हैं, तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक होली प्लेटर, आप बोल सकते हैं, जहाँ पे यू नो स्नैक्स है, फिर स्वीट डिश भी है, फिर थोड़ा ड्रिंक भी है। जो चाहे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज त्यौहार तो सिर्फ एक मौका है। एक्चुअली हम सबको ही अच्छा अच्छा खाना खाना है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड ऑल द रेसिपीज़ आर, होली के जितने सारे रेसिपीज़ मैंने सोचे हैं, ऑल द रेसिपीज़ आर वेरी सिंपल एंड बहुत ही इंस्टेंट है, बहुत ही जल्दी बनने वाला रेसिपीज़ है। तो आई होप सो आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। तो पसंद आएगा तो आप सबको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। एंड हाँ, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलिए, लेट्स बिगिन दिस होली स्पेशल। मैं बोलूँगी स्नैक्स, और मैं बोलूंगी एक होली स्पेशल प्लेटर जो मैंने आप सबके लिए सोचा है। तो चलिए, ग्रेप्स मोहितो बनाते हैं। अगर आपको ग्रेप्स नहीं चाहिए तो आप मैंगो से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑफ ग्रेप्स लिया है। फिर हम लोग को चाहिए थोड़ा मिंट लीव्स, चाट मसाला पाउडर, एंड यहाँ पे मैंने 1/2 स्लाइस ऑफ नींबू लिया है। तो जनरली मोहितो ना कूट के भी होता है, पर मैं ना बहुत ही जल्दी बनाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, ब्लेंडर में थोड़ा ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ले लिया है हम लोगों ने ग्रेप्स, फिर हम लोग इसमें दे देंगे मिंट लीव्स, फिर हम लोग इसमें देंगे नींबू का जूस, फिर हम लोग इसमें देंगे 1/8 teaspoon ऑफ चाट मसाला पाउडर, एंड दिस इज लाइक इससे 2 ग्लास बनेगा, थोड़ा सॉल्ट, फिर मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है। तो अभी हम लोग इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, एंड मैं ना चाहती हूँ कि मिंट के जो लाइक थोड़े थोड़े जो लीव्स है ना वो अंदर जाए, तो इसलिए आप देख सकते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा जाली है इस स्ट्रेनर में। तो अभी इसमें अगर आप चाहे तो अभी शक्कर ऐड कर सकते हैं, पर मैं ना पाउडर शुगर ऐड करूंगी। तो जो ग्लास में आपको सर्व करना है वो ले लीजिए। तो फर्स्ट हम लोग ऐड करेंगे इसमें आइस, एंड उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे जो हम लोगों ने जूस बनाया है वो, लाइक मैं जैसे बोल रही थी ना, इससे 2 ग्लास होगा। उसके बाद हम लोग इसमें देंगे शुगर। तो मैं पाउडर शुगर दे रही हूँ, पर अगर आप चाहे तो नॉर्मल शुगर ऐड कर सकते हैं, लाइक पहले भी आप शक्कर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ना मैं इसमें सोडा दे रही हूँ, इससे मुझे लगता है टेस्ट बहुत इनहेंस होता है। तो चलिए, इसको थोड़ा गार्निश करते हैं विथ सम ग्रेप्स एंड मिंट लीव्स। एंड अगर आप चाहे ना तो सेम तरीके से इंस्टेड ऑफ ग्रेप्स आप मैंगो से भी बना सकते हैं। तो रेडी हो गया है हम लोगों का ग्रेप्स मोहितो। मैंगो सलसा बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास कुछ स्लाइसेस ऑफ मैंगो है, फिर अनियंस है, एंड यहाँ पे हैलोपिनियो है। अगर आपके पास हैलोपिनियो नहीं है देन आप नॉर्मल ग्रीन चिलीज ले सकते हैं। एंड ये जो मैंगो है ना, लाइक अभी का मैंगो तो इतना ज्यादा मीठा नहीं होता है ना, तो ये इतना ज्यादा मीठा नहीं है ये मैंगो। मैं जस्ट थोड़े थोड़े स्लाइसेस कट कर रही हूँ, एंड अनियंस भी आपको इतने ज्यादा नहीं चाहिए। एंड हैलोपिनिया का मैंने थोड़ा ही पीस लिया है, पर अंदर का जो बीज है ना मैं वो निकाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तीखा होता है। तो अभी हम लोग एक ब्लेंडर लेंगे, एंड हाँ, हम लोग को थोड़ा सिलेंट्रो यानी थोड़ा धनिया पत्ता भी चाहिए। तो ब्लेंडर में हम लोग सब कुछ ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोगों को चाहिए लेमन जूस, फिर हम लोग इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 teaspoon ऑफ ऑलिव ऑयल। तो बस रेडी हो गया है मैंगो सालसा। एंड अगर आप चाहे ना तो अभी इसको फ्रिज पे रख सकते हैं थोड़ा चिल होने के लिए, एंड फिर जब आप सर्व करेंगे यू कैन सर्व इट विद सम ऑफ योर फेवरेट चिप्स। वो टॉर्टियोस हो सकता है, नाचोस हो सकता है, नहीं तो ऐसा पापड़ ना, पापड़ भी फ्राई करके दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑफ श्रेडेड कोकोनट लिया है, एंड उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon ऑफ फाइनली चॉप्ड अनियंस,
फिर 1 teaspoon ऑफ फाइनली चॉप्ड जिंजर। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे ग्रीन चिली, दिस इज एज पर योर टेस्ट। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा धनिया पत्ता, वो भी फाइनली चॉप्ड, सॉल्ट, आप टेस्ट करके देख लीजिएगा। फिर मैं इसमें थोड़ा शक्कर भी ऐड कर रही हूँ। फिर अभी हम लोग इसको मिक्स करना है इसको, एंड उसके बाद डो मैंने पहले से बना लिया है, जैसे समोसा का डो बनाते हैं ना, जिसमें मोयाम थोड़ा अच्छा होना चाहिए जब आप समोसा का डो बनाएंगे। एंड इस पे ना डो बनाते वक्त मैंने थोड़ा कलौंजी ऐड किया था, एंड बेलते वक्त ना आपको थोड़ा मोटा रखना है, बिकॉज मेनी ऑफ यू नो कि कोकोनट में तो थोड़ा मिल्क रहता है ना, एंड फिर कोन के लाइक कोन का एक शेप दे देंगे, जिस तरीके से नॉर्मल समोसा बनता है। एंड डेफिनेटली पानी ऐड कीजिएगा ताकि यू नो अच्छी तरीके से सील हो जाए। तो अभी बीच में हम लोग इस कोकोनट ऐड कर देंगे, एंड ये खाने में ना ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी लगता है। इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी, पर ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस रेडी हो गया है एक समोसा, एंड मैं इतना ज्यादा नहीं बनाऊंगी बिकॉज मैं जस्ट दिखा रही हूँ आप सबको किस तरीके से बनाना है। तो एक कप कोकोनट से मुझे लगता है 4 ही समोसा होगा। तो मैं जैसे बोल रही थी ना, जब आप बेलेंगे ना इसको थोड़ा लाइक ठीक बेलिएगा। एंड हाँ, जब भी आप समोसा बनाइएगा ना, जो स्पेशली जो हीट है गैस का, वो लाइक लो से मीडियम पे रखिएगा। धीरे धीरे समोसा होना चाहिए, एंड जस्ट लुक एट इट, कलर कितना अच्छा आया है। एंड इसको सर्व हम लोग करेंगे ना विथ सम मीट का चटनी, दैट्स इट। तो पोटली समोसा का डो भी मैंने सेम तरीके से बनाया है, पर इसमें ना मैंने कुछ भी और ऐड नहीं किया है। तो एक पैन पे फर्स्ट मैं थोड़ा मूंगफली यानी थोड़ा पीनट्स थोड़ा फ्राई करूंगी। तो जब फ्राई हो जाए फिर मैं निकाल लूंगी, एंड उसके बाद आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट नो कैसे करके मेरा रिकॉर्डिंग का बटन ऑफ हो गया था। तो मैंने उसके बाद इसमें ऐड किया है थोड़ा सूखी हुई लाल मिर्च, अराउंड 1/4 teaspoon ऑफ जिंजर पेस्ट, एंड मैंने ऐड किया है 1/2 teaspoon ऑफ जीरा। उसके बाद मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ आलू, ये अराउंड 1 medium size बॉइल्ड आलू है। तो ये एक नॉर्मल समोसा का स्टफिंग है, आलू समोसा का स्टफिंग है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी, एंड इसमें भी अराउंड 4 समोसा होगा, थोड़ा ग्रीन चिली, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। फिर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 teaspoon ऑफ जीरा पाउडर। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ता। फिर मैं इसमें थोड़ा पीस भी ऐड करूंगी क्योंकि मुझे लगता है टेस्टी होगा, तो मैंने थोड़ा पीस ऐड किया है। डेफिनेटली सॉल्ट ऐड कीजिएगा। फिर लास्ट में ना मैंने इसमें जो मूंगफली फ्राई किया था वो मैंने ऐड कर दिया है, एंड फिर मैं ऐड करूंगी अराउंड 1/2 teaspoon ऑफ भाजा मसाला। इससे बहुत ही एक अच्छा खुशबू आता है, तो डेफिनेटली ऐड भाजा मसाला। एंड भाजा मसाला का जो रेसिपी है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। एंड पोटली समोसा बनाना इज वेरी इजी, मैं बोलूंगी अगर बहुतों को समोसा का शेप देना नहीं आता है, यू कैन मेक दिस पोटली समोसा। बस आपको सिर्फ एक पोटली बना लेना है। सी, जैसे हम लोग पोटली बनाते हैं उस तरीके से मैंने पोटली बना लिया है, एंड फिर मैं एक बेल्ट टाइप भी दे रही हूँ ताकि वो देखने में सुंदर लगे। तो रेडी हो गया है हम लोगों का पोटली समोसा, इस तरीके से मैं सेकेंड भी बना रही हूँ। थोड़ा पानी दे दीजिएगा चारों तरफ से ताकि सील हो जाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पोटली बना लीजिए, एंड फिर हाँ ऐसा एक बेल्ट टाइप पहना लीजिए, एंड फिर हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे जैसे हम लोग नॉर्मल के समोसा फ्राई करते हैं। ओनली मैं जो बोल रही हूँ, फ्लेम जो रहेगा वो मीडियम टू लो रहेगा, एंड धीरे धीरे समोसा को होना चाहिए, तभी समोसा टेस्टी होता है। बस रेडी हो गया है हम लोगों का पोटली समोसा, एंड इसको हम लोग सर्व करेंगे विद सम नाइस इमली का चटनी। तो शाही टुकड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए व्हाइट ब्रेड, अगर आप चाहे तो होल व्हीट ब्रेड भी ले सकते हैं, एंड साइड का जो पार्ट है वो कट कर लीजिएगा, पर साइड का पार्ट ना रख दीजिएगा बिकॉज यू कैन मेक ब्रेड क्रम्स विथ इट। एंड फिर हम लोगों को ना ट्राइंगल शेप में इसको कट कर लेना है।
तो यहाँ पे एक पैन पे मैं ले रही हूँ अराउंड 1.5 कप ऑफ मिल्क। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा केसर ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है। फिर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर। एंड अभी ना हम लोग दूध को एक बॉयल आने देंगे। तो दूध में जब एक बॉयल आ गया था ना, फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप ऑफ मेवा, यानी नहीं तो आप खोया भी बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग मिक्स कर लेंगे इसको दूध में। एंड यहाँ पे मैंने अराउंड 1 टेबल स्पून ऑफ घी लिया है विथ 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। तो अभी हम लोग ब्रेड को फ्राई करेंगे। सपोज अगर आपको फ्राई करना पसंद नहीं है ना, तो आप ऐसा थोड़ा टोस्ट भी कर सकते हैं, पर चलो एक दिन तो फ्राई करना बनता है। तो ब्रेड को दोनों साइड से आपको फ्राई करना है जब तक ना ब्रेड अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो। तो क्योंकि हम लोगों ने इसमें मावा ऐड किया था, तो दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर। एंड अभी जो हम लोगों ने ब्रेड को फ्राई किया था ना, वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। एंड ज्यादा टाइम तक आपको नहीं रखना है, सिर्फ 2 मिनट्स, क्योंकि ब्रेड बहुत गर्म है ना, तो ये थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा खीर को। अभी तो ये खीर की तरह ही बन चुका है। अगर आप ज्यादा टाइम रखेंगे ना, तो ब्रेड फुल गल जाएगा। तो खीर ऑलमोस्ट गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना रिड्यूस होके आ गया। तो अभी हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि इससे ज्यादा गाढ़ा करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा। एंड बस अभी हम लोग शाही टुकड़ा के ऊपर में खीर को दे देंगे। एंड एट द एंड गार्निश इट विद सम पिस्ताशू। ट्रस्ट मी, ये शाही टुकड़ा ना बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितने सारे रेसिपीज होली स्पेशल वीडियो में शेयर किए हैं, आप सबको पसंद आया है। तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। एंड जो लोग मुझे पहली बार देख रहे, इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब। सो जाने से पहले और एक बार हैप्पी होली।